क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है कि दवा के एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है। क्या है? दवा का एक कैप्सूल है, जो दवा आप लाते हैं ना कैप्सूल, वो किसके आकार का है? बेलन के आकार का है, ठीक है। उसके जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। देखिए आकृति 13.10। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है। कितना है? 14 mm है। और उसका व्यास कितना है? 5 mm है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए? पृष्ठीय समय इसका ज्ञात। सबसे पहले ये समझिए आप कि आपका फिगर कैसा दिया हुआ। पहले क्या कह रहा हो कि आपका एक कैप्सूल है, आई मीन ये हो गया कैप्सूल, ठीक है। कुछ ऐसा ही होता है कैप्सूल, ठीक है, दवा कैप्सूल ऐसा ही होता है। अब यहां पे आपको क्या कह रहा है कि दो को अर्धगोला लगा हुआ, दोनों साइड से क्या लगा हुआ है? अर्धगोला लगा हुआ। और ये पूरे कैप्सूल की लंबाई कितनी है? 14 mm है। कोई दिक्कत? और इसकी जो व्यास है, व्यास का मतलब मान लीजिए यहां से लेकर के यहां तक की लंबाई कितनी है? 5 mm है, ठीक है। तो दिक्कत नहीं है ना किसी को? अब एक बात बताइएगा कि अगर ये जो है मान लीजिए एक अर्धगोला है ना, एक अर्धगोला है, इसके व्यास यहाँ से यहाँ तक, इसकी त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक कितना? अगर 5/2 मतलब कि पूरा ये पूरे व्यास कितना होता है? जितना व्यास होता है उसका आधा क्या होता है? जितना व्यास होता है उसका आधा क्या होता है? त्रिज्या होता है। तो अगर आपका व्यास 5 है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? 5/2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? होगा। तो आप बताइएगा अगर 5/2 का हम अगर आधा करते हैं इसको तो 2.5 होगा कि नहीं होगा? तो बताइए अगर त्रिज्या इसकी 2.5 है तो इसकी हाइट भी कितना हो जाएगा? 2.5 ही होगा, क्योंकि जितना त्रिज्या होता है उतना इसकी क्या होती है? गहराई होती है, ठीक है। बात समझ में आ रहा सानिया? चलिए, तो अगर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, यहाँ दो एक कैप्सूल के इधर काट के निकाले, एक कैप्सूल के इधर काट के निकाल दे ना, तो अगर यहाँ पे देखिएगा 2.5 एक साइड से काट के निकाल जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 2.5 और यहाँ से यहाँ तक कितना? 2.5, यानी कि अढ़ाई और अढ़ाई कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो अगर हम 14 में से 5 निकाल लें तो कितना बचेगा? ये 9 जो बचेगा किसकी लंबाई बचेगा? बेलन की लंबाई बचेगा कि नहीं बचेगा? इतनी बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो चलिए अब हम लोग इसको लिख करके कैसे निकाल सकते हैं, मतलब लिख करके कैसे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि दिया है, और क्या दिया है ये देख लीजिए। आपको ये दिया है कि कैप्सूल कैप्सूल की कुल लंबाई कितनी है बुआ? 14 mm। और क्या कह रहा है? कैप्सूल का व्यास कितनी है? 5 mm। जब कैप्सूल का व्यास 5 mm है ना, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं अर्धगोला और बेलन का व्यास भी कितना हो जाएगा? 5 mm ना होगा? होगा कि नहीं होगा? चलिए उसके बाद हम क्या लिखेंगे, जिसको समझ में नहीं आएगा आप लोग बोलिएगा। और बेलन का त्रिज्या कितना होगा? 5/2, यानी कि 2.5। बेलन की त्रिज्या भी पता चल गया। अब क्या निकालना पड़ेगा आपको? बेलन का ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई कितना होगा बुआ? पूरा ऊंचाई इसका कितनी है? 14 है, सॉरी पूरा 14 ना है, ये मतलब पहले से पूरे कैप्सूल की लंबाई कितनी है? 14 में से अगर हम 5 घटा दें, क्या घटा दें? 2 × 2.5, यानी कि 2 कैप्सूल आ रहा है ना, 2 अर्धगोला है, तो अगर हम यहाँ लिख दें 14 माइनस कितना? 2.5 कितना होता है? 5। क्या निकल जाएगा?
यानी कि कैप्सूल की लंबाई थी, बैलन की लंबाई कितनी हो गई? 9। बाकी सब इसमें हम लोग लिख लिए, कोई दिक्कत किसी को नहीं है। तो अब हम लोग यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कैप्सूल की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कैप्सूल का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, करना ये पड़ेगा बेलन का है ना वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इस तरह समझ आएगा ना पृष्ठ का मतलब, और प्लस में क्या कर देंगे, 2 अर्धगोला, अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो बात समझिएगा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, क्या होता है, 2πRh। प्लस में अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, यहाँ पे ये 2 तो होगा ही होगा, और इस अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 2πRh2। ना कुल थोड़ी पूछ रहा है यहाँ पे, वक्र ना पूछ रहा है, अच्छा वक्र नहीं लिखे हैं, अच्छा लिख दे रहे हैं, कोई बात नहीं है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, कितना होता है, 2πR। ठीक, अब यहाँ गया है, यहाँ पे आप 2 लिख लीजिए, चलिए 2πRh प्लस, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 2 लिख दो, कोई बात नहीं हटाओ, चलो यहाँ से देखो तो कॉमन क्या निकल रहा है, 2πR। यहाँ पर हमने लिखा लिया 2πR, तो यहाँ पर क्या बच गया, H, और यहाँ बच गया 2, और यहाँ क्या बच गया, 1 R। किसी को दिक्कत है यहाँ पे, समझ में नहीं आ रहा है, उनको दिक्कत है, हाँ चलिए, अगर दिक्कत किसी को है तो बता दो। चलो 2 का पाई, 2 का वैल्यू तो 2 ही होता है, और पाई का वैल्यू क्या होता है जी, 22/7 होता है, और आर कितना दिया आपके पास, देखे तो 2.। एच कितना दिया है, एच कितना है, 9, और 2, और आर का वैल्यू कितना दिया है, 2.। कोई दिक्कत है किसी को, नहीं है ना, हाँ देखो तो 2 ये उसको काटो मत, इसको ऐसा ही छोड़ दो, यानी कि यहाँ पे है ना, तो 25/ कितना हो जाएगा, 10, यानी पॉइंट 10 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इसको देखो 9, अब ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 2.5 है ना, तो 2×22/7×25/10 है ना, कितना हो जाएगा, 9×5। तो भरसक कोशिश करना है कि हम लास्ट में ला करके काटने के काम करें, ठीक है ना, काटने का काम लास्ट में हम लोग करें। देखो यहाँ फायदा क्या होगा, देखो 7×2 = 2×5 = 10, 5×5 = 25, हमारे पास क्या बच गया, 2×22×5। अगर एक इसको गुना शॉर्टकट में किया जाए तो कैसे कर सकता है आदमी, 5×2 = 10, अब 22 ना आके 220 mm। कोई दिक्कत किसी को, समझ में आया कि नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, कोई तंबू एक बेलन के आकार का है, किसके आकार का है, बेलन के आकार का, जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है, क्या अध्यारोपित है, शंकु अध्यारोपित है, यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास 2.1 mm और 4 mm है, तथा तिर्यक ऊंचाई 2. कितना है, 8 है, तो इस तंबू को बनाने के लिए कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, कैनवास बताते क्या होता है, साथ ही ₹500 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसे प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। ठीक है, ध्यान दीजिए कि तंबू के आधार को कैनवास से नहीं ढका गया है, मतलब कहने का इसका मतलब क्या है बता रहे, सबसे पहले ये समझिए कि कैनवास का मतलब क्या होता है, नहीं कैनवास का मतलब होता है कपड़ा, जिससे आपको टेंट वगैरह बनाया जाता है, उस टेंट वाले के कपड़े का नाम क्या है, कैनवास। बात समझ में आया इतना बार, मौत के कुआं कौन कौन दिखले भरे, अच्छा बाहर पर बहुत जगह हाथ उठा तो बुझाता कि देखिए
मौत को कुआं होता है तो आप लोग सही में देखे होंगे, तो अगर ऐसे नीचे ऐसा गोलाकार होता है, बेलना के आकार का होता है, होता कि नहीं होता है? और उसके ऊपर वा देखिएगा कुछ ऐसा ही मतलब बनाया जाता है, चिपटा नहीं रहता है, ऐसा ही बना रहता है, बना रहता है कि नहीं बना रहता है जी? आए ऊपर कुछ तिरछा बनाता है सब, हाँ बनता है एकदम पूरा तंबू की तरह, है ना? तो अब देखिएगा ये हो गया पहली बात, तो आप समझ गए, आपने देखा क्या कि मौत के कुआं जो नहीं देख लो जाकर देख ली, ठीक बा, मौत का कुआं, हाँ चलो, तो मौत के कुआं में जैसे मोटरसाइकिल नचाए लसन, ठीक बा, और जिसमें मोटरसाइकिल नचाता है लोग वो पूरा गोल रहता है, ठीक है? और ऊपर जिससे बारिश से बचाने के लिए, धूप से बचाने के लिए जो कुछ भी होता है वो किस आकार का होता है, आपको ये आपको कोन के आकार का होता है, शंकु के आकार का होता है, ठीक है ना? चलिए दो एक चीज सही समझ में आ गया। इसका एक और आकार बता रहे हैं, तुम लोग इस्तेमाल करते हो जो तो ये लड़की पेन देखो, तो पेन का ये जो ये वाला नोकीला चीज़ है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक देखो तो इतना मतलब दिख रहा है, उसी आकार का है कि नहीं? ऊपर शंकु रखा हुआ है, नीचे बेलन है। पेंसिल भी इस्तेमाल करते हो सही होता है कि नहीं होता है? ऊपर शंकु नीचे बेलन। चलिए तो आप समझ गए होंगे, लो ढक्कन लो, देखो तो टोपी पहना के देव से छोड़ी मोबाइल, है ना? बात समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों? चलिए और इसकी ऊंचाई कितनी है, बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितनी है? बेलना भाग पार हो, ठीक, इसकी भाग की ऊंचाई कितनी है? 2.1। वाह बहुत अच्छा। इसका व्यास कितना है? 2.8 का है, 2.1 है। बेलनाकार भाग, बात समझो, बेलनाकार भाग यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक बेलनाकार भाग है ना, इसमें तिरछा ऊंचाई थोड़ी आता है, बेलन में तिरछा उड़ा लगा कुछ शंकु में ना है, तो बेलनाकार भाग में कितना है? 2.1। अच्छा और इसका व्यास कितनी है? 4। और कह रहा है शंकु की तिरछा ऊंचाई यानी ये वाला ऊंचाई कितनी है? 2.8 है, ठीक है? और ये जो कपड़ा लग रहा है इसके, इसको सजाने के लिए, वो कपड़ा कितना पैसा लग रहा है? 500 रुपया प्रति मीटर। वैसे कहते तेरा मुड़ी पर घेकुआर छपाई, घेकुआर छपाई तब तेरा दिमाग काम करी। आइए यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, देखिएगा यहाँ पे दिया है भाई, क्या दिया है यहाँ पे? बेलन का बेलनाकार, ठीक है ना, बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितनी है? 2.1। बेलनाकार भाग की व्यास कितना होगा? 4 होगा। अगर इसका व्यास 4 होगा तो शंकु का व्यास कितना होगा? 4 ही होगा। बहुत अच्छा बात है। अच्छा चलिए आज यहाँ पे आपको लिख लीजिएगा, बेलनाकार भाग की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? अभी कोई लड़की कल बैठाई थी, पढ़ा रहे थे उसको, कल नहीं सर परसों, उसको मैंने कि आधा करने नहीं आ रहा था, 20 का आधा कितना वाला हो तो 15 है, 30 का आधा कितना वाला हो तो 20, अरे एकदम पूरा बक्का थी वो, एकदम आसिया से भी ना। चलिए अब यहाँ पाइएगा, शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितनी होगी? 2.8। चलिए तिर्यक ऊंचाई को क्या लिखते हैं हम लोग, एल लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? बेलनाकार इसके ऊंचाई को एच लिखते हैं, इसको डी लिखते हैं, अगर क्या लिखा चलाओ, वाह बहुत पढ़ी यार पढ़ो, क्या करो, शंकु के त्रिज्या, विकलांग बन गया, शंकु की त्रिज्या कितनी होगी? बाकी सब कुछ दिक्कत नहीं है ना किसी को? हेलो पेन को विराम दीजिए,
साफ बुझा तो रुकी बुखाई ले बड़ू कहीं से रात में से खोले भी तू खा लियो जाके घरे है ना। अब हमको पूरे टेंट का कुल है ना कुल वक्र पृष्ठीय छोड़ वक्र पृष्ठीय हाँ वक्र का मतलब ये होता है ना कि बाहर वाला बताओ टेंट लगाओगी तो यानी कि बाहर बाहर न लगाओगी कपड़ा आ कि भीतर वह घुस के लगाएगी वो शंकु को त्रिज्या यहाँ से आया है जब इसका व्यास बताइएगा अगर ये चार है तो ये पर कितना होगा चार है ना होगा तो जब एक त्रिज्या दो हुई तो एक त्रिज्या कितना हुई वही चाहिए दो समझ लो। अच्छा चलो ठीक है चलिए अब यहाँ पे देखिएगा क्या लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय कोई दिक्कत है किसी को बेलन का अरे कौन पे मंगा लिया देखते बेलन का वक्र पृष्ठीय पर कितना होता है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 2πRH और शंकु का कितना होता है πRL ठीक है। यहाँ पे देखो क्या कॉमन है πR कॉमन है छोड़ी πR कॉमन है ना इसमें देखो πR कॉमन है L और 2H अलग है ठीक है। देखिएगा साबरीन हम तुमको देख रहे हैं पाई का वैल्यू यहाँ पर देखिएगा क्या है 22/7 आर कितना है 2 एच कितना है इसका 2.1 एल कितनी है 2.8 कोई दिक्कत है जी नहीं है ना। अब देखो यहाँ पे लिख लो 22/7 और इसको गुना करोगे कितना होगा 2 × 2 = 4 और ये हो जाएगा इतना ठीक है। तो आप देखिएगा यहाँ पे ना 8 × 2 = 10 = 0 हाशिए में है 1 × 2 = 3 = 7 तो पॉइंट के बाद 0 खत्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा यहाँ पर रहने दीजिए 22/7 × 2 है ना और गुने 7 × 7 = 7 खत्म होगा क्या निकल गया आपका 44 m² आपका क्या आ गया उसका पूरा क्षेत्रफल आ गया ठीक है। और कैनवास में तक कि पूरे कपड़ा कितना लगेगा 44 m² आपको कपड़ा लगेगा। अब आपका कुल दाम कितना लगेगा इतना कपड़ा खरीदने में कुल पैसा कितना देना पड़ेगा वो निकाल लीजिए है ना। कैनवास की कुल लागत कभी भी निकालना होता है ना हम लोग क्या लिखते हैं क्षेत्रफल गुने दाम क्या बोलिए बोलो कैनवास कुल लागत। अच्छा एक बात बताओ दुकान में माल लगेलू एगो नाक में के किनलू एगो मुंह फोड़े वाला लाली खरीदलू एगो बाली खरीदलू मान लो एगो झोंपा खरीदलू बुनियाम ना लगल से झोंपा अब ये पूरा खरीद लो अब ये पूरा मान लो कि कान में का खरीदी 5 रुपये में लाली खरीद लो 250 बड़े महंगा मिल रहा है ना। हाँ अच्छा भाई बाली खरीद लो मान लो 3-4 रुपये में 15 अब ये पूरा आप कितना पैसा दी 5 × 5 = 10 उसमें ये कितना 7 यानी कि जो 270 रुपये आप जोड़ के पूरा दी ना वही हुआ कुल लागत बात समझ लो। चलो लाली पबड़ा समझ में आ सकता है क्षेत्रफल कितना है 44 और दौर कितना बहो रेट 500 रुपये में 1 मीटर मिला था तो 44 मीटर कितना मिले गुना कर लो। एक काम करना तुम लोग इसको गुना करने के लिए ना बहुत आसान तरीका होता है देखो सर 2 × 0 बात है 2 × 0 यहाँ लिख दो सन और 44 मानो एक आधा को लिख दो सन गुना करके देख लो इतना ही आएगा
एगो जीरो तारा ससुराल से अलो अगर अगर आधा करबू तो घुने ना करबू अरे ससुराल से खाली मन टिके आई है कथी कथी आयल देखा पे 44 × 5 5 × 20 के जी उसमें मिल दू 5 × 20 दू बाईस आयल कि ना आयल बताओ 44 में देखो अब एक बात हमारे कहने का मतलब ये है कि किसी भी संख्या को अगर 5 से गुना करना है ठीक है तो उसके बगल में 0 बैठा के उसको आधा कर दो यानी कि 44 का आधा कितना होगा 22 के बगल में भी 0 बैठा दो अपना मन से अब क्यों होगा उसको तो प्रूफ करना पड़ेगा ना बात समझे कि ना रे कर देगा उसको भी